जी हमारी मरियम बेटी आई हुई है माशाल्लाह, हमारी बहन भी आई हुई है, बेटी भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान की बेटी है, सब बहन भाइयों की बेटी है और बहन भी हो सकती है। इंशाल्लाह बिल्कुल मरियम नवाज वोट शेर को। शेर का उम्मीदवार कौन है? शेर का उम्मीदवार कौन है? शेर का इधर हल्के में उम्मीदवार कौन है? खुद हूँ मैं, आप खुद हूँ। शेर का उम्मीदवार जिसे लोग वोट डालेंगे वो लाला ताहिर रंधावा। बिल्कुल लाला ताहिर रंधावा को वोट दोगे? इंशाल्लाह बिल्कुल रंधावा के सपोर्टर हो? बिल्कुल उन्हीं के हैं। अगर लाला ताहिर रंधावा और नवाज शरीफ में से चूज करना पड़े किसको किसका इंतखाब करोगे? अगर एक तरफ लाला ताहिर रंधावा हो जो इस वक्त MBA का उम्मीदवार है, एक तरफ नवाज शरीफ हो, आपने इंतखाब करना है एक बंदे का, किसको इंतखाब करोगे? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का करोगे? जी बिल्कुल। अच्छा, जलसे में खुशी हुई थी आपको मरियम नवाज को देख के? क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। सपोर्ट करते हो यार आप नून लीग को, वजह तो बता दो। वजह क्योंकि हमारे पाकिस्तान मुल्क को इन्होंने बनाया है, जितनी कायदे आज़म ने बनाया है, कायदे आज़म ने बनाया है, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने बनाया है, लेकिन इन्होंने भी काम किया है, ऐसी हुकूमत किसी ने भी काम नहीं किया जितना नवाज शरीफ ने किया। जो इस वक्त तो दीगर जमातें हैं, आप PP तो अब आपके साथ है, उससे उसके अलावा PTI की अगर मैं बात करूँ, काफिले की, वो कहते हैं कि ये चोर हैं। चोर हैं क्यों नहीं, इस मुल्क में क्या काम किया? महंगाई महंगाई किया, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? नहीं, आप मानते हैं कि नून लीग करप्शन भी करती है? वो एक बयान आया कि खाता है तो लगाता भी है, वाकई ये खाते हैं? ये हम नहीं कहते। नवाज शरीफ की इस वक्त लंदन में इतनी जायदादें हैं, पैसा उनके पास कहाँ से आया? वो ख़ानदानी अमीर हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे वालिद गरीब थे। नहीं नहीं, बिल्कुल ख़ानदानी, जो उनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, ख़ानदानी अमीर हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ गलत हैं, नवाज शरीफ ठीक हैं? नहीं नहीं, दोनों सही हैं। कौन कहते हैं? मैंने आपको वो बयानियाँ बताया ना उनका। नहीं नहीं, मरियम नवाज कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि अब पता चला कि वो अरबों की मालिक हैं। नहीं, उनकी पहले भी जजात है, पहले भी जजात है। फिर वो बयानिया ऐसा क्यों बता रहे हैं? बयाना ऐसा कि ये गलत है, वहाँ गलत कर रही है, गलत बता रही है। उनका अपना बयानिया है ना, मैं उनके अपने बयानिया की बात कर रहा हूँ, हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये इस हुकूमत को इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड कहते हैं कि अमेरिका की साजिश से आई है ये हुकूमत, मानते हो इसे? कौन सी साजिश है? अमेरिका ने साजिश की है और पैसे वगैरह खिलाए हैं बंदों को, इसी वजह से ये हुकूमत तब्दील हुई है? नहीं नहीं, महंगाई की वजह से हुकूमत तब्दील हुई है। महंगाई अब कंट्रोल हुई है? महंगाई इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल होगी। हुई है? होगी। कब तक? इंशाल्लाह वोट डालेंगे। वोट तो डालेंगे, महंगाई कंट्रोल कर सकेगी अब? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करेगी नून लीग। अगर ना कर सकी 2023 में फिर भी वोट दोगे? देंगे वोट, फिर भी देंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ ट्रेलर। कितना कमाते हैं? तकरीबन 30-25 हज़ार रुपये कमाते हैं। गुजारा हो जाता है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस महंगाई के दौर में जहाँ एक लीटर बस निज़ाम चला रहे हैं, हुकूमत अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ाती रहे फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? इंशाअल्लाह मत दाम तकर करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग अक्सर जलसों में बिरयानी के लिए आते हैं या उन्हें शौक होता है मरियम नवाज को देखने के लिए, कोई मोहब्बत में आते हैं, कोई देखने में आते हैं, लेकिन जो बहन भाई हैं वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।